नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन। इसमें बोल रहा है ए मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुले एंड सपोर्ट्स ए ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला है दोनों का मास इक्वल है और ये स्मूथ पुले से पास किया गया है, ठीक है। so that whatever force monkey exert on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration। तो बोल रहा है कि अगर ये मंकी मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश करते या किसी भी तरह की फोर्स लगाता, तो आपको बतानी है कि दोनों का जो डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ब्लॉक भी किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी। डायरेक्शन सेम होगा और एक्सेलरेशन कितना होने की, इक्वल होने की, ये आपको प्रूफ करना है। और बोला है कि इफ इनिशियली बोथ वर एट रेस्ट, अगर दोनों इनिशियली रेस्ट पे है तो देयर सेपरेशन विल नॉट चेंजेस एज टाइम पासिस, तो दोनों के बीच का सेपरेशन भी चेंज नहीं करेगा, है ना। तो सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर दोनों पास भी रहेगा तो ऑब्वियसली अगर दोनों, अगर ये वाला प्रूफ कर देता हूँ मैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं मंकी का, ठीक है। तो ये आपका हो गया रोप और ये हो गया मंकी, और ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। तो मान लीजिए मंकी का तो एक तो वेट लग रहा होगा किधर की तरफ, एमजी नीचे की तरफ, और एक क्या लग रहा होगा, टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि ये कोई जरूरी नहीं कि टेंशन और एमजी दोनों क्या हो, सेम हो। वो मंकी पे डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा तेजी से खींच रहा है तो टेंशन एमजी से ज्यादा भी हो सकता है, और अगर ज्यादा जोर से नहीं खींच रहा तो इट में भी हो सकता है इसका उल्टा भी, कि टेंशन एमजी से कम हो तो उस कंडीशन में नीचे की तरफ भी एक्सलेट कर सकता है। तो मंकी के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये टेंशन की वैल्यू को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। तो अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो चलिए ये तो दो फोर्सेस लगा दी। अच्छा, अब ये वाला जो ब्लॉक है, क्वेश्चन बोला है कि इसका भी मास क्या है, सेम है, ठीक है, इसका भी मास सेम है, तो एक तो एमजी लग रहा होगा। अच्छा, स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तब आप सोचिए टेंशन तो हमेशा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो अगर मंकी ने मान लीजिए ज्यादा जोर से पुल भी किया है ना रोप को, तो टी की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ भी टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर इस केस में टी ग्रेटर होगा एमजी से तो इस कंडीशन में भी टी ग्रेटर होगा एमजी से, दैट मींस इस पे भी अगर नेट फोर्स ऊपर लगती है तो इस पे भी नेट फोर्स ऊपर लगेगी। तो आप जानते हैं कि अगर नेट फोर्स ऊपर लगेगी दोनों का एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड आएगी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ए इक्वल टू क्या आएगी, अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, और मास तो दोनों का सेम है, तो दोनों के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगा। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल होगा, और डायरेक्शन भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। और अगर ये प्रूफ हो गया तो थर्ड वाला जो पार्ट है ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि कैसे टेंशन की वैल्यू चेंज कर सकता है मंकी, और ये टेंशन जितना चेंज होगा यहाँ पे वही यहाँ पर भी चेंज होगा। तो नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में।